आज की हमारी रेसिपी है हरे मटर के क्रिस्पी पकौड़े। हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई .com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज रीना रसोई में आपको हरे मटर के पकौड़े बनाना बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। ये पकौड़े कैसे बनते हैं आइए हम आपको अब आगे बताते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हम सबसे पहले एक छोटा सा कप बेसन लेंगे। जितना हमने बेसन लिया है इसका आधा हम चावल का आटा लेंगे। हमने जितना बेसन लिया था उसका आधा हमने चावल का आटा लिया है। अब जितना हमने चावल का आटा लिया है उतना ही हम मैदा लेंगे। मैदा और चावल के आटे की क्वांटिटी एक है। अब आपको पकौड़े जितने बनाने हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम महीन महीन कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये जाड़े के मौसम में ये पकौड़े खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधा चम्मच हम हींग डालेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। ये भी इसके लिए टेस्ट बढ़ाता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है और इसमें हम इनको और चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच हम हींग डालेंगे, सॉरी आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा। एक चम्मच हम धनिया का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच पिसा हुआ मिर्चा डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी एक इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो बताएंगे जिससे कि ये पकौड़े बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया भी डालेंगे। हरे भरे पकौड़े हैं इसलिए इनको हरा भरा बनाइए। जाड़े के मौसम में ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसमें हम जो एक आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बता रहे थे वो है, हमने ऑयल को गर्म करा है और एक से दो चम्मच हम ऑयल डालेंगे। इससे जो है हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। पानी को एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा क्योंकि हमको इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इतना थिक होना चाहिए, नहीं तो आपके पकौड़े जो हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अभी बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हमने जो मटर को आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं और जो प्याज कटर होता है उसमें भी आप, क्योंकि हमको मिक्सर मटर को केवल दरदरा पीसना है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मटर के पकौड़े का बैटर पूरी तरह से तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था जिससे सारे मसाले, बेसन, चावल का आटा सब अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाए। अब हम चलते हैं पकौड़ा बनाने। हमने उसके लिए इधर ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल को देखिए हमने खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसकी गैस बिल्कुल धीमी कर दी है। अगर आप गैस को धीमा नहीं करेंगे तो आपके पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस बात का आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें बैटर को उठाकर इसके पकौड़े डालेंगे। आप अपने छोटे बड़े आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने इसमें 10 मिनट रख दिया है तो हमने इसमें सोडा वोडा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करा है। 10 मिनट में ये सारा बेसन अपने आप फूल कर तैयार हो गया है। एक बार में जितने पकौड़े आएंगे हम उतने डालेंगे और आँच को धीमा रहने देंगे। थोड़ी देर बाद इनको हम टर्न करेंगे। अब हमारे पकौड़े एक तरफ से देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इनको हम टर्न कर रहे हैं। देखिए हमने इनको फेंट कर 10 मिनट के लिए रख दिया था तो देखिए कितने जितने बड़े हमने डाले थे उससे ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि बेसन वेसन खूब अच्छी तरह से हमारा फूल गया है। सबको पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन, आँच को देखिए हम धीमा रखे हैं, जरा सा आँच को हमने तेज करा है और धीमी आँच हमने थोड़ी देर रखी थी उसके बाद हमने आँच को जरा सा तेज करा था। दोनों तरफ से हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब देखिए हम इनको
एक प्लेट में निकाल लेंगे। हरी मटर के बढ़िया से पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और देखिए इनकी आवाज़ आपको सुनाए, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इसीलिए ये देखिए कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। अब इनको हम आपको को तोड़ के दिखा रहे हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं अंदर से सॉफ्ट हैं। कितने बढ़िया पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से जो जो बातें हमने बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा, आपके भी इसी तरह से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पकौड़े बनकर तैयार होंगे। यदि हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।